दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया आपके अपने ही YouTube चैनल में। मेरा नाम दिलशाद और आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच नंबर 13 जो कि दोस्तों खेले जाने वाला है NRK वर्सेस SMP के बीच में। दोस्तों ये मैच रहने वाला जैकपॉट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर आपको मिलने वाले इस मैच में जो कि अच्छा प्रॉफिट कराने वाले हैं। फुल स्टैट्स जानेंगे इस मैच से रिलेटेड, साथ साथ यहाँ पे GLSL टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाया गया, दोस्तों सिलेक्शन कैसे करना है हमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करते गए सबसे पहले ये मैच स्टार्ट कब होगा। दोस्तों फिलहाल ये मैच जो फिलहाल 22 जून इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7:15 यानी कि दोस्तों शाम टाइम में खेला जाने वाला है। कहाँ पे दोस्तों खेला जाएगा, NPR कॉलेज ग्राउंड जो कि रिसेंट अगर आप देख रहे हैं TNPL के मतलब कि 5 से 6 मैच होगा गाइस इसी ग्राउंड पर खेले जा रहे हैं। और आपको पता होगा पिच का बिहेवियर कैसा हो रहा है, वो आपने देखा ही होगा अगर आप इस मैच को कवर कर रहे हैं कि TNPL को। एंड दोस्तों बात करते हैं इस वेन्यू का जो कि अप्रोक्स यहाँ पे 152 का एवरेज स्कोर रह सकता है इस मैच के लिए। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉलर्स काफी बढ़िया कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बात बढ़ते हैं गाइस आगे, और उससे पहले बता देता हूँ यहाँ पे नेलाई रॉयल किंग्स वर्सेस सेलम स्पार्टन्स के बीच में मैच खेला जाएगा। इस मैच से रिलेटेड जो कि अपडेट रहेंगे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इस मैच से रिलेटेड जो कि आपको इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए प्लेइंग 11 बताऊंगा और उसके साथ साथ यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर। ओके गाइस, बैटिंग ऑर्डर की आपको पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे बैटिंग करने आ सकता है, या तो दोस्तों प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग बैटिंग ऑर्डर क्या रह सकता है। बॉलिंग ऑर्डर जानेंगे कौन सा बॉलर दोस्तों यहाँ पे पावर प्ले में, कौन सा स्टार्टिंग में, कौन सा दोस्तों डेथ में आता है, क्योंकि आप उसका सिलेक्शन कर पाएंगे आसानी से, जान पाएंगे कि कौन सा बॉलर कहाँ पे बॉलिंग कराता है। एंड दोस्तों पिच रिपोर्ट, पिच की कंडीशन, प्लेयर का बैटल और टीम का हेड रिकॉर्ड्स, एवरी स्टैट्स, हेड रिकॉर्ड्स, मतलब कि दोस्तों जब जब टीमें आमने सामने खेली हैं तो फिलहाल प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के गेस्ट में, और वेन्यू पर दोस्तों जब जब ये टीमें खेली तो किस हिसाब से प्लेयर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कैसा है दोस्तों वो भी जानने वाले। इंपैक्ट प्लेयर जानेंगे गाइस, मतलब कि जो कि दोस्तों अब सब्स्टिट्यूट वाले होते हैं या तो कह लीजिए बेंच प्लेयर। एंड अगेन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे GLSL हेडक्वार्टर टीम के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको होता है विनिंग टीम दोस्तों हम हमेशा करके हर वीडियो में क्रिएट करते रहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके फायदे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैट बॉल जिन भाइयों ने नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं अदर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एंट्री फी का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ही कम है। जैसे कि देखते हैं ₹525 का जो आप कॉन्टेस्ट खेलेंगे बैट बॉल 11 पर, अदर एप्लीकेशन पर ₹575 आपके लगने वाले हैं। ₹50 की सेविंग हो जाएगी आपकी बैट बॉल 11 पे, ₹50 आपके अदर एप्लीकेशन पर दोस्तों बिल्कुल फालतू में जाने वाले हैं। ये दोस्तों गलती आपको करनी नहीं है। 1599 का जो कॉन्टेस्ट खेलेंगे ₹1749 दोस्तों अदर एप्लीकेशन पर आपको देने पड़ेंगे, ₹150 की सेविंग हो जाएगी आपकी बैट बॉल 11 पे, और ₹150 दोस्तों आपके जो है फालतू में जाने वाले अदर एप्लीकेशन पर। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं सभी कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपको इसी प्रकार का जो एंट्री फी का कंपैरिजन रहेगा मेरे भाई, सबसे लेस मिलने वाला, इन्वेस्ट लेस विन दोस्तों मोर, मतलब बढ़िया विन करो भाई कम इन्वेस्टमेंट करके। तो यार डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों के फायदे के लिए बात बता रहा हूँ। एंड अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में और इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट किस हिसाब से हो सकती है, क्या बिहेवियर रहने वाला गाइस वो जान लेते हैं। रिसेंट देखिए इस ग्राउंड पर जो मैच खेले गए, ठीक है, NPR ग्राउंड डैनी गुल का जो रिसेंट मैच है 20 जून को दोस्तों यहाँ पे एक मैच खेला गया, जिसमें कि NRK टीम जिस टीम की दोस्तों हम बात कर रहे हैं उसी टीम ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए 124 में दोस्तों 10 विकेट गंवा दी थी। और उसके बाद ITT टीम के गेस्ट में इनका मैच हुआ था 128 बना करके दोस्तों चेस करके मैच को विन किया गया। और आपको पता है इस ग्राउंड पर जितने भी मैच हुए भाई चेसिंग सबसे बेस्ट है गाइस, ठीक है। और आपको पता है 150 तक अभी अगर हम 4 मैच देखते हैं तो कहीं पर भी स्कोर बन नहीं रहा गाइस। एंड अगर बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर को देखिए 7 विकेट स्पिनर को, एक पेसर को, सेकंड में 2 विकेट स्पिनर को, 1 विकेट गाइस, तो पेसर को एडवांटेज मिल रहा है। रिसेंट वाला मैच जो यहाँ पे हुआ है 19 जून को दोस्तों यहाँ पे जो मैच खेला गया, CSG टीम 126 बनाई थी 8 विकेट नुकसान पे, और LKK टीम दोस्तों चेस करते हुए 128 पे 2 विकेट गवाई थी। पेसर को दोस्तों यहाँ पे 4 विकेट और स्पिनर को दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट मिली थी। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे पेसर को 1 और स्पिनर को दोस्तों 1 विकेट, तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ सकते हैं कि यार फर्स्ट इनिंग में स्कोर कुछ खास नहीं है और सेकंड में अगर आप देख रहे हैं तो विकेट भी नहीं गिर रही और एवरेज स्कोर के हिसाब से मतलब मैच को विन भी कर लेगी। ओके, एंड तीसरे मैच की बात करते हैं यहाँ पे देखिए 18 जून को खेला गया था, जिसमें कि SMP टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 123 10 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, और DD टीम चेस करते हुए 124 बना ली थी, ओनली 3 विकेट गवा दिए थे। ये दोस्तों आप समझिए कि कहीं ना कहीं अगर जो टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बैट्समैन कम सेलेक्ट करना है, मतलब ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिसेंट 3 मैच अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे विकेट जरूर गिर रही है। और सेकंड में क्या होता है 102 विकेट गवा कर सेकंड इनिंग चेस करने वाली टीम मैच को विन कर दिया। अगर आप बात करें इस मैच के लिए कि पेसर को 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर को
चार विकेटें, पेसर को सेकंड में 2-0 विकेटें और स्पिनर को दोस्तों 3 विकेटें। 18 जून की बात करते हैं जो यहाँ पे मैच हुआ, बीडी टीम 139 9 विकेट के नुकसान पे और एसएस टीम 143 5 विकेट के नुकसान पे गए। फर्स्ट में पेसर को 6 विकेटें, स्पिनर को 3 विकेटें और यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं पेसर को 2 और स्पिनर को दोस्तों 3 विकेटें। तो कहीं आप समझ सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे हेल्प मिल रहा है मतलब कि पेसर को, और खास करके दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि पिच बैलेंसड रहने वाली है, मतलब यहाँ पे दोस्तों विकेट जरूर गिर रही और मेरे हिसाब से भाई फर्स्ट इनिंग तो हमें बैटिंग है ना थोड़ा सा जिस टीम जो टीम खेलेगी यहाँ पे उसका कमजोर करके चलना ही चलना है। हाँ दोस्तों बात करते हैं देखिए पावर प्ले का क्या स्टैट्स रहता है इस ग्राउंड पर, जैसे के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे किस हिसाब से हमें बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, क्या स्कोरिंग पैटर्न रहता है इस पावर प्ले में, किस हिसाब से विकेटें गिरती है। एक मैच के दोस्तों यहाँ पे बात करें देखिए 38 पे 4 विकेटें फर्स्ट इनिंग में गिरी होती है, पावर प्ले में यहाँ पे सेकंड में कोई विकेट नहीं और मैच को चेस गया। ये रिसेंट मैच दोस्तों इसी ग्राउंड के उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट में आप देखें किस हिसाब से विकेटें गिरी है। यहाँ पे दूसरे मैच की बात करते हैं 31 पे 2 विकेट पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में और सेकंड में बात करते हैं 44 पे 1, मतलब कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग दोस्तों बढ़िया रहा है यहाँ पे, देखिए स्कोर सेकंड में ही बन रहा बढ़िया ये समझ लीजिए गाइस। यहाँ पर 43 पे 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में भले ही विकेट गिर गई थी बट दोस्तों स्कोर बन रहा है। अगर हम चौथे मैच की बात करते हैं यहाँ पे 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में दोस्तों अगर हम देखते हैं 50 रन में 2 विकेट गए तो, और यहाँ पे भी स्कोर सेकंड का ही दोस्तों हाई है, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं सेकंड में थोड़ा सा बैट्समैन पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करें दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, साथ साथ बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर के बारे में। देखिए सबसे बात करें नेलाई रॉयल्स किंग्स यानी कि NRK टीम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में दोस्तों, इस टीम पे देखिए प्लेइंग 11 तो आपको पता ही होगा, अरुण कार्तिक जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर ये ओपनिंग करते हैं, श्री निरंजन लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर के साथ दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हो वन डाउन बैटिंग करने आएंगे लक्ष्मेश सूर्य प्रकाश एंड उसके अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, उसके बाद आपको मिलेंगे मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा अरुण कुमार राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, फिर दोस्तों आपको मिलेगा अजितेश गुरुस्वामी जो कि राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है, ऋतिक किशोरन जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, सोनू यादव जो कि आपने देखा रिसेंट अच्छी फॉर्म मतलब 20+ रन भी बनाया और साथ साथ दोस्तों 2 विकेट भी इनको मिली है, आपने देखा कि इनका परफॉर्मेंस आपको हर मैच में ठीक ठाक मिल जा रहा है, कंसिस्टेंट मिल रहा है क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों दोनों मिल रही है इनको। लक्ष्य जैन की बात करते हैं राइट आर्म पेसर है, एम पोए मोजू राइट आर्म पेसर है, विघ्नेश जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, संदीप वारे दोस्तों राइट आर्म मीडियम फास्ट पेसर है दोस्तों ये भी। अब दोस्तों देखिए आपने बैटिंग ऑर्डर और फिलहाल बॉलिंग जिस हिसाब से हो रही है आपने देख लिया और यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है सभी के बॉलर्स को ठीक ठाक स्पेल मिल जाते हैं, किसी का स्पेल कटने वाला नहीं। बॉलिंग ऑर्डर के बारे में बात कर लेते, संदीप वारियर सोनू यादव दोस्तों ये आपको स्टार्टिंग के ओवर कराते नजर आएंगे, पावर प्ले में आपको पीएम मुजी और लक्ष्य जैन गिस, यहाँ से आपको ये चार में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज दोस्तों SMP टीम जो है फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे पावर प्ले में विकेटें गिर रहे हैं और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग का जो फिलहाल बैटिंग टीम करती है वहाँ पे विकेट हाईएस्ट गिर जाते हैं 8 से 10 हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अगर ये टीम बॉलिंग करती है सेकंड में तो यहाँ पे आप ये बॉलर्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद डेथ में बात करते हैं पीएम मोजी संदीप वारियर सोनी यादव दोस्तों ये डेथ में बॉलिंग कराते हैं। लेकिन बढ़ते आगे इस MP टीम के बारे में यानी कि सेवन स्पार्टर्स के बारे में बात करते हैं, अमित सात्विक जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, आकाश सुमर के सदस्य ओपन कर रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मान बाफना फिर आपको कौशिक गांधी फिर यहाँ पे दोस्तों मुकित हरन मिल जाएंगे, MD अदनान खान रवि कार्तिकिया सनी संधु अभिषेक तंवर और सचिन राठी एम गणेश मूर्ति गज। यहाँ पे बैटिंग स्टाइल बॉलिंग स्टाइल दोस्तों आपको क्लियर कर लीजिएगा, स्टार्टिंग को देखिए अगर बात करें इस टीम के लिए एतवर सनी संधु करते हैं, पावर प्ले में आपको सनी संधु एंड मूर्ति मिल जाते हैं, देश में दोस्तों कार्तिकिया एंड तंवर गज और उसके बाद यहाँ पे संधु मिल जाते हैं। दोस्तों फिलहाल आपने दोनों टीम का बॉलिंग ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सब कुछ क्लियर कर लिया, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्लेयर मैचअप के बारे में यानी कि प्लेयर बैटल बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स के बारे में। देखिए सबसे बात करेंगे यहाँ पे नेलाई रॉयल्स किंग के बैट्समैन वर्सेस सलेम स्पार्टन्स की टीम के बारे में, यहाँ पे इस टीम के बॉलर्स यानी कि नेलाई रॉयल्स किंग्स के बैट्समैन को कैसा दोस्तों आउट करते हैं, किस हिसाब से दिक्कत पैदा करते हैं। अरुण कार्तिक की बात करते हैं यहाँ पे जो कि एम गणेश मूर्ति जो है इनको इन्होंने दोस्तों एक बार आउट किया है, और अगर हम बात करें श्री निरंजन को दोस्तों इनका मैचअप नहीं है, अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य प्रकाश या तो अरुण कुमार का है दोस्तों इनका भी मैचअप नहीं है, अजितेश गुरुस्वामी का भी मैचअप नहीं है एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए ऋतिक ईश्वरसन को फिलहाल जो कि है तंवर अभिषेक तंवर एक बारी आउट कर रहे हैं, अगेन सोनू यादव का मैचअप नहीं है एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फिलहाल जो है सलेम स्पार्टन्स को फिलहाल जो बैट्समैन यहाँ पे मिल रहा है नेलाई रॉयल्स किंग्स के बॉलर्स कैसा दोस्तों यहाँ पे इनको आउट वगैरह कर रहे, देखिए अमित सात्विक को फिलहाल जो है एक रिस्ट आउट कर रहे हैं एक बार, आकाश सुमरा का मैच फिलहाल मोजी दोस्तों इनको आउट करें एक बार पीएम मोजी, और उसके बाद यहाँ पे मान बापना को जो कि पीएम मोजी दो बार आउट करने के, उसके बाद यहाँ पे कौशिक गांधी को फिलहाल जो है पीएम मोजी और उसके बाद क्रिस्ट और यहाँ पे एल विघ्नेश गस दो बार आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी दो आउट कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों क्रिस्ट एक बार आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत वाले प्लेयर हैं कौशिक गांधी जो कि उनके सामने तीन ऐसे बॉलर हैं जो काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से दोस्तों इनको आउट कर रहे हैं, ओके एंड उसके बाद यहाँ पे RS मुकित हरिनन की बात करते हैं इनका मैचअप नहीं है, MD अदनान खान का भी दोस्तों मैचअप नहीं है इस टीम के बॉलर्स के अगेंस्ट में। आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड जो कि दोनों टीम के बीच में कितने मैच खेले गए, तो गाइस यहाँ पे टोटल दोनों टीम के बीच में जो है TNPL के 4 मैच खेले गए,
जिसमें कि निलय रॉयल किंग्स को 3 बार विन मिली है और सेलम स्पार्टन को दोस्तों 1 बार विन मिली है। तो कहीं ना कहीं रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे सलीम स्पार्टन जो कि रिसेंट विन करके आ रही है और यहाँ पे निलय रॉयल किंग्स दोस्तों हार करके आ रहे हैं। तो विनिंग परसेंटेज की बात करते हैं हेडवेट के अकॉर्डिंग, तो निलय रॉयल किंग्स का रहने वाला है। बाकी मुझे जहां तक लग रहा है सलीम स्पार्टन दोस्तों जीत सकती, बाकी ये भी डिपेंड करने वाला है दोस्तों कौन सी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है इस ग्राउंड पे, क्योंकि पहले टीम जो बैटिंग करेगी वो मैच को हारी, आपको पता होगा। अगेन दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो गिवेस वगैरह होते हैं ये भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में टीम मिल जाती है, ठीक है, सारे मैच का आफ्टर टॉस अपडेट मिल जाता है। बट दोस्तों आपको बता दूं कि आज के जो मैच थे 2 से 3 दोस्तों उनको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम नहीं था, इसलिए आपको क्या करना, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक करिए आ जाइए, और साथ साथ दोस्तों बैट बॉल 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगेन दोस्तों यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको हर मैच का फुल एनालिसिस स्टैट्स चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करिए, बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पे क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पे बिल शो हो जाएगा, फिर बिल पे शो होने के बाद ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि दोस्तों ऐसे ही हर मैच का आप एनालिसिस और स्टेट्स प्लेयर का देख पाए। दोस्तों बात करें यहाँ पे दोनों टीम का जो विकेट कीपर सेक्शन रहने वाला है, गाइस आपको पता कि मैं फिलहाल यहाँ पे जो आपको बताता हूँ गाइस, सेक्शन बाई सेक्शन, सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे बैटिंग सेक्शन, फिर ऑलराउंडर सेक्शन, फिर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन, जिससे कि आप आसानी से प्लेयर का सिलेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें इन आर के टीम के विकेट कीपर में आपको मिले एक कार्तिक, जो कि रिसेंट आउट ऑफ फॉर्म 2 मैचेस यहाँ पे 32-21-0-34 हेडवर्ड, 6 मैच 173 रन 28 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, 20 मैच में 854 रन 20 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वो सॉरी 50 करोड़ से बैटिंग करते हैं। बट आपको पता है रिसेंट यहाँ पे इस ग्राउंड पे खेल करके कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो यार उतना भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे जहाँ तक लग रहा है इनके द्वारा फिर से इस मैच में कुछ अच्छा होगा नहीं, किस ठीक है, तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। बट हेडवर्ड वेन्यू के अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं इनके साथ। ऋतिक ईश्वरसन की बात करते हैं, देखिए इनको बैटिंग और बॉलिंग दोस्तों सॉरी बॉलिंग तो मिलती नहीं, बट बैटिंग में कभी कभी नहीं मिलती है। हेडवर्ड बढ़िया परफॉर्मेंस है, 1 मैच 41 रन, ग्राउंड पर 2 मैच में 15, ग्राउंड पर पूरी तरीके से फ्लॉप है। बाकी यार जो कि सलीम स्पार्टन्स के गेस में दोस्तों बढ़िया पारी खेल है, ठीक है, तो 2 में किसी एक को रखना चाहे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर कार्तिक ही ठीक रहेंगे, बाकी दोनों को भी ड्रॉप करके आप जा सकते हो, क्योंकि इनका बैटिंग और बहुत डाउन है। अजीत गुरुस्वामी जो कि हाईएस्ट पारी यहाँ पर दोस्तों 100 लगा के भी आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे 20-14 इस प्लेयर को तो आपको रखना ही रखना है। टीम के गेस में 48 रन खेले एक मैच में, इस ग्राउंड पर 3 मैच में 20 रन गए और फिलहाल 20 का एवरेज स्कोर है गए, तो क्या करना है आपको, गुरुस्वामी को अभी फिलहाल के लिए इस टीम में रख लेना है, क्योंकि दोस्तों जब यह टीम एनआर की टीम जो पहले बैटिंग करती है, ठीक है, पहले बैटिंग करती है तो मैं यहाँ पे ऑनली गुरुस्वामी को लेकर जाऊंगा। अगर चेस करती है तो भाई ये वाले हमारे पास दोनों प्लेयर रहने चाहिए, क्योंकि भाई आप देख रहे चेसिंग किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। अगेन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सलीम स्पार्टन्स टीम के बारे में। यहाँ पे इस टीम में आपको मिल रहे हैं अमित सात्विक, वीपी गए, चूंकि रिसेंट 22-6-23 बैटिंग राउंड भी इनका दोस्तों ठीक ठाक है, 2 मैच टीम के गेस में खेलने के 73 रन 35 करोड़ से बैटिंग करते हैं, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 55 रन 27 करोड़ से बैटिंग करते हैं। गाइस क्या करना आपको, इस प्लेयर को भी लेकर चलना है, मतलब अभी फिलहाल के लिए अगर दोस्तों ये टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको मैंने बताया कि इन दोनों को लेकर जाएंगे, अगर ये फिलहाल टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको गुरुस्वामी को रखना है और इस टीम से दोस्तों अमित सात्विक को आपको रख लेना है। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैटिंग सेक्शन जो यहाँ पर रहने वाले हिसाब से किन किन प्लेयर को दोस्तों हम अपने टीम में लेकर जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एन आर के टीम के बारे में, एल सूर्यप्रकाश 10-25-25-19-45-18-28 इनका रिसेंट फॉर्म है, हेडवेट बढ़िया बैटिंग करते हैं, 5 मैच में 125 रन है, 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पर 6 मैच में 66 रन 11 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पर दोस्तों ये रिसेंट वाला भी खेल करके आए। बाकी अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन की तो मैं टीम में जहाँ तक इनको लेकर के जाऊंगा कि 10 से 15-20 रन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, और अच्छी पारी भी यहाँ पे खेल लेते हैं, देखिए कंसिस्टेंट है, मतलब इतना फ्लॉप नहीं है कि कहीं ना कहीं एकदम फ्लॉप हो जाएंगे, तो आप इनको टीम में लेकर जाएगा। अरुण कुमार देखिए आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ खास नहीं दोस्तों, तो इनको ड्रॉप करके चलना है आपको। एंड बात करते हैं सलीम स्पार्टन्स टीम के फिलहाल बैटिंग सेशन जो आपको मिले कौशिक गांधी, दोस्तों आप इनको देख रहे हैं कि 3 से 4 बॉलर जो कि हैं आपको एनआर के टीम के इनके अगेंस्ट में बॉलिंग करते हुए बढ़िया परफॉर्मेंस रखते हैं गाइस। बाकी ये भी रिसेंट अच्छी बैटिंग करके देखिए 52-23-1-40 कुछ लोग यहाँ पे इनको सोच रहे हैं कैप्टन वाइज कैप्टन कर देंगे। बाकी देखिए टीम के अगेंस्ट में इनका भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, 5 मैच से 202 रन है, 40 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पर 13 मैच है, 394 रन 43 करोड़ से बैटिंग करते हैं। ऑनली टीम में रखने का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैप्टन वाइज कैप्टन के रिस्क लिए रिस्की हो सकते हैं। अगर दोस्तों जो इनके गेस में बॉलिंग हो रही सामने टीम के 4 बॉलर्स हैं तो वो उनको अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा नहीं तो फिर आप इनके ऊपर थोड़ा सा हेडवेट में जा भी सकते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे मोकी थरीनारायण की तो फिलहाल देखिए 15-14+1 यहाँ पे 0 हेडवेट, 2 मैच 6 रन 3 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड में 1 मैच 15 रन गए, जो कि रिसेंट आपने देखा उतना ज़्यादा उसको भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं यहाँ पे 43 के बहुत सारे मैचेस के बाद आई है पारी, बाकी कुछ खास कंसिस्टेंट है नहीं, तो दोस्तों आप ड्रॉप करके जा सकते हैं इनको। अगेन बढ़ते हैं कहीं यहाँ पे एमडी अदनान की तरफ से जो कि काफ़ी ज़्यादा हिटिंग करते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए 47 नॉट आउट रहा, काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने, यहाँ पे 4-10-13 यहाँ पे बैटिंग नहीं गई और हेडवेट का पहला मैच है दोस्तों, ग्राउंड पर पूरी तरीके से ये फ्लॉप है, कुछ अच्छी हेल्प नहीं मिली। और मैंने दोस्तों आपको लेकर स्टार्टिंग में पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है उस टीम का दोस्तों बैटिंग लेना
अब आपको कमजोर करना है उतने ज्यादा दोस्तों प्लेयर नहीं रखते हैं आपको बैटिंग सेक्शन से, क्योंकि आपसे परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल के लिए बात करूँ यहाँ पे एमडी अदनान का थोड़ा सा बैटिंग और डाउन है, बट ये हिटिंग करते हैं। सेकंड दोस्तों आप लेकर जाइए चेसिंग में, फर्स्ट टीम कहीं ना कहीं फिर से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। रजिन कार्तिक की बात करते हैं, देखिए दो विकेट यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग नहीं, बाकी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल बॉलिंग कर रहे तो अच्छी विकेट मिल रही है। हेड टू हेड में देखिए एक मैच एक विकेट ग्राउंड पे एक दो विकेट है, तो कार्तिक क्या है दोस्तों आप पे टीम में जरूर इनको जगह दीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों टीम पर जो ऑलराउंडर सेक्शन रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निलय रॉयल्स किंग्स के ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। इस निरंजन आर जो कि 13-25+1 15-34+1 यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग नहीं मिली, बाकी जहाँ बॉलिंग मिली दोस्तों विकेट इनको मिल लेगी, ये ध्यान में रखिएगा। हेड टू हेड एक मैच खेले जिसमें बॉलिंग और बैटिंग नहीं करी है, ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट हैं, 78 रन 26 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो टीम में आप लेकर जा सकते हैं इस निरंजन को, बट यार बॉलिंग नहीं मिलेगी तो गड़बड़ा जाएगा मौसम। आपको क्या करना है, अभी आफ्टर टॉस वेट करना है टेलीग्राम चैनल पर। सोनी यादव जो कि 35+2 फिर 20+1 ये बंदा बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, बढ़िया बैटिंग ऑर्डर भी है और अच्छी खासी विकेटें कैसे मिलती है। टीम के केस में देखिए 4 मैच में 7 विकेटें हैं और ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेटें, बैटिंग कुछ खास हुई नहीं, मतलब उतना अच्छा स्कोर है नहीं, बट कैप्टन वाइज कैप्टन की पिक की बात करें तो लेकर जा सकते हो यार, बैटिंग और बॉलिंग लगातार इनको मिल रही है, सही साथ दोस्तों बॉलिंग भी ये कर रहे हैं। एंड बात करते हैं सलीम स्पार्टन्स की बात, देखिए मान बाप ने जो रिसेंट 16-8-9-40-20+0-29-37 हेडवर्ड 4 मैच में 133 रन 33 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 6 विकेट ग्राउंड पे 10 मैच में 181 रन है, 18 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 3 विकेट गए। मैं तो कहूँगा ये आपके हेडवर्ड के लिए रहेंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, ओपनिंग कर जाते हैं कभी कभी दोस्तों, तो आप इनको क्या करना है अपने हेडवर्ड टीम में जरूर रखना है, मतलब 1-2 लोगों वाली टीम में या तो फिर स्मॉल लीग में। सनी संधू की बात करते हैं, लगातार अच्छी बॉलिंग, देखिए 2 विकेट और अच्छी खासी दोस्तों बैटिंग भी कर सकते हैं, बट बैटिंग इनको मिल नहीं रही है। एंड यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 24+1 यहाँ पे 17+0 5+1 फिर 3 हाईएस्ट, कहीं कहीं ना अच्छा परफॉर्मेंस लेकर जा सकते हैं, बट हेड टू हेड भी ध्यान देना होगा। एक मैच दोस्तों 4 रन है 0 विकेट ग्राउंड पे 4 में 7, तो यार ग्राउंड पे बढ़िया कर रहे हैं, तो यार टीम में आप इनको लेकर जाइएगा अपने, चाहे वो जीएल दोस्तों चाहे एसएल चाहे हेड टू हेड। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम पे जो बॉलिंग सेक्शन रहने वाला, किन किन पर हम टीम में लेकर जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे निलय रॉयल्स किंग्स तरफ से आपको मिला है लक्ष्य जैन एस, जो कि रिसेंट अगर देख रहे हैं तो 3 मैच में 2 विकेटें हैं, हेड टू हेड का पहला मैच होगा दोस्तों, ग्राउंड पे अच्छी विकेट है एक मिल जाएगी थी दोस्तों, एक मैच में थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा कि इनको विकेट मिलेगी, बाकी किस हिसाब से दोस्तों यूज करना है, जैसे कि टीम पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पे भरोसा करिएगा बॉलर्स पे, ये दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया। बाकी टीम सिलेक्शन की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर जाऊंगा। पीएम मोजी की बात करते हैं, देखिए 0-3-2-2-3-1 बाकी ग्राउंड पे इन्होंने खेला था, कुछ अच्छी हेल्प नहीं मिली, बट टीम के केस में दोस्तों इनका जो 3 मैच है उसमें मेरे भाई 7 विकेटें हैं, इस ग्राउंड पे 8 मैच में 9 विकेटें हैं, तो टीम में तो लेकर चलना ही चलना है, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे ड्रॉप करने का, टीम में दोस्तों लेकर जाइए और सेकंड में अच्छी फॉर्म नजर आएगी, 2-3 विकेटें मिलेगी। एल विग्नेश की बात करते हैं 0-0-0 कुछ खास है नहीं, बट हेडवेट बढ़िया है, 2 में 3 विकेटें ग्राउंड पर 13 में 9 विकेटें हैं, बाकी रिसेंट कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बॉलिंग मिल रही है, तो यार स्मॉल लीग हेडवेट के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप भी हो सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक है। संदीप आर्य जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हेड टू हेड एक मैच है दोस्तों 0 विकेट है ग्राउंड पे 2 मैच में 0 विकेट, तो क्या करना है दोस्तों ड्रॉप करेगा, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना कि टीम में आप लेकर जाएगा। बात करते हैं सलीम स्पार्टन्स टीम के बॉलिंग सेक्शन जो प्लेयर मिले, आकाश सुमरा जो कि 10+0 फिर यहाँ पे 24+0 1+0 आउट ऑफ फॉर्म है गाइस, 4 में 2 विकेटें ग्राउंड हेड टू हेड में, ग्राउंड पे 10 मैच में 6 विकेटें कुछ खास नहीं, ड्रॉप करके जाइएगा आप लोग। एंड अगेन अभिषेक तंवर जो कि अच्छी बॉलिंग करें, लगातार 3 मैच में दोस्तों 4-5 विकेटें हो चुकी हैं इनकी, और अगर हम बात करें हेड टू हेड 6 में 7 विकेटें ग्राउंड पे 16 मैच में 28 विकेटें, अभिषेक तंवर को तो आपको रखना ही रखना है, ये ध्यान रखना, और होप आप जाना चाहें दोस्तों इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी जा सकते हैं अगर आपको रिस्क ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा टीम के साथ दोस्तों जाते हैं तब। सचिन राठी की बात करते हैं, 1 विकेट 0 कुछ खास नहीं है, बट दोस्तों ग्राउंड पे ही इन्होंने मैच खेला था जिसमें 1 विकेट इनको मिल चुकी है, कहने के ग्राउंड इनको थोड़ा सा हेल्प दे रहा है, हेड टू हेड लेकर के जा सकते हैं। एम गणेश मूर्ति 2 मैच आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके बाद यहाँ पे 1 विकेट 4 में 2 सामने टीम की गेस में 13 में 12 इस ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं फिर से दोस्तों रिस्क रहेंगे, आप इनको भी ड्रॉप करके जाइएगा। लेकिन दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यानी कि बेंच प्लेयर के बारे में, जो अचानक से अगर प्लेइंग में शामिल होते हैं तो फिर कैसे उनको रखेंगे हम। देखिए यहाँ पे आर मिथुन मिलेंगे निलय रॉयल्स किंग्स की तरफ से आपको बेंच में, 0-0 कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड बढ़िया परफॉर्मेंस है, 1 में 3 विकेट ग्राउंड पर दोस्तों 8 मैच में 41-7 करोड़ से बैटिंग करते थे, बट यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, और मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आते हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्क अगर आप बनता है रिसेंट के अकॉर्डिंग नहीं हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो फिर लेकर के जाएगा। अश्विन क्रिस की बात करते, देखिए अच्छी बॉलिंग है इनके द्वारा, बाकी 2 मैच से 2 विकेटें हैं हेड टू हेड में, ग्राउंड पे 5 मैच से 5 विकेटें, तो ये प्लेयर आएगा तो नाम याद रखिएगा, इसको भी रखना है आपको। मोहन प्रसाद की बात करते हैं 0-3-2-2 अच्छी फॉर्म है, कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग हो सकती है, हेड टू हेड 5 में 5 विकेटें ग्राउंड पे 12 में 8 हैं। एंड राजा गोपाल की बात करते गए, देखिए आप बैटिंग ऑर्डर इनका देखेंगे बाकी हिसाब से होता है, बाकी कुछ खास है भी नहीं, ग्राउंड पे थोड़ा सा ठीक है, 22 करोड़ से बैटिंग करते हैं। आफ्टर टॉस दोस्तों बताऊंगा कि कौन से प्लेयर को आपको रखना है, बाकी दोस्तों आपने स्टैट तो देख ही लिया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करें यहाँ पे सलीम स्पार्टन्स टीम के बेंच के बारे में, तो इस टीम में आपको मिलेंगे आर काविन जो कि रिसेंट कुछ खास कर नहीं रहे, 2 मैच में 48 रन है सामने टीम के गेस में, इस ग्राउंड पे 8 मैच से 24 है कुछ खास नहीं है, बाकी दोस्तों आप टॉस क्लियर करेंगे उतना खासा परफॉर्मेंस है नहीं, ड्रॉप भी कर सकते हैं आप।
सेल्वे कुमार रन की बात करते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 मैच में ओनली 2 ही विकेटें। हेटवर्ड ने तो कुछ खास नहीं, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हैं। आरएस जगन्नाथ श्रीवास की बात करते हैं गैस, इनका भी देखिए कभी बैटिंग मिलती कभी बॉलिंग, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ड्रॉप करके जाएगा। अभिषेक की बात करते हैं गैस, देखिए ये प्लेयर आता थोड़ा सा रखने लायक होगा, वो भी आपके हेटवर्ड और स्मॉल लीग में, बट बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आ जाना है। और देखिए ये मेरे भाई, अगर आपने अभी तक बैट बॉल एलम को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट मिलता है, लो एंट्री फी रहती है, ग्रेट डिपॉजिट ऑफर, साथ ही साथ दोस्तों डेली फ्री गिवेज, इंस्टेंटली विड्रॉल डिस्काउंट भी मिल जाता है। और मेरे भाई सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे टीम बनाने के साथ साथ आप लूडो वगैरह खेल करके भी पैसे कमा सकते हैं, और आपको पता है यहाँ पे पोकर भी अपकमिंग है, ठीक है, पोकर भी आना, सीप फाइट भी आप खेल सकते हैं, तो भी बढ़िया एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन की भी टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाती है। अब दोस्तों देखिए ओनली डेमो टीम आपको बताता हूँ, इससे कन्फर्म आपको समझना नहीं है, आफ्टर टॉस जो अपडेट होंगे गाइस कुछ चेंजमेंट होते हैं, कुछ प्लेयर नए आते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेगा। देखिए कैप्टन की रिस्क हमने सोनू यादव को रखा, वाइस कैप्टन यहाँ पे जिस संधु इस संधु पर रखा है, बट यहाँ पे बॉलिंग मिल सकती है उम्मीद से हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। बाकी अभिषेक तंवर और यहाँ पे पूजा मोजी दोस्तों बाफना को रखा, क्योंकि मैं खाता इस प्लेयर को बहुत कम सिलेक्शन वाले प्लेयर रखेंगे, इस निरंजन को दोस्तों मैंने कहा रख लीजिएगा, सूर्य प्रकाश रखेंगे, हरिहरन यहाँ पे, के गांधी, कार्तिक और यहाँ पे जी अतिश, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्तिक को ड्रॉप कर देना है, ठीक है, अगर एनआर की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर वहाँ पे जो एसएस टीम से विकेट कीपर मिलेगा उनको रखना है, अगर ये टीम चेज करती है तो फिर दोनों को लेकर जाइएगा, फिर यहाँ पे जी अतिश और कार्तिक के ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के, ये आप टॉस अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर 1 घंटे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।